हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ और प्रोडक्ट का नाम है स्मूथ क्यू स्मार्टफोन गिम्बल। ये ज़ियुन का गिम्बल है, बेसिकली एक स्मार्टफोन गिम्बल है। अगर आप कोई एक्शन कैमरा यूज करते हैं लाइक गोप्रो या SJCAM या कोई भी आपके पास एक्शन कैमरा है, ये उसके साथ भी कंपेटेबल है। AliExpress से मैंने इसको मंगवाया है। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो है $139, बट दो दिन की फ्लैश सेल चल रही थी AliExpress पे, वहां से मैंने इसे ऑर्डर किया है तो ये मुझे बहुत चीप प्राइस में मिला है। कहूं तो $98 में मुझे मिला है। शायद इससे सस्ता, शायद इससे चीप कोई भी गिम्बल आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। और कई लोगों को जैसे नहीं पता अगर गिम्बल क्या होता है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अगर आप अपने फोन से वीडियोस बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि फुटेज जो होती है वो बहुत शेकी होती है और बहुत हिलती है और वो अच्छा फील नहीं देता। जैसे हम जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं वीडियोज को, वैसा रिजल्ट नहीं आता। ऑन द अदर हैंड, जब आप इसके साथ अपना फोन अटैच करके वीडियो शूट करेंगे तो आपको बहुत सिनेमेटिक लुक आएगी वीडियोज के अंदर और बिल्कुल भी शेकीनेस होता है वीडियोज में या फिर कुछ भी अनस्टेबलाइज होता है वीडियोज बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत स्टेबल रहेगा वीडियो आपका। तो गाइज चलिए अब इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं और इसके कुछ की फीचर्स हैं वो भी आपको बताता हूं। तो गाइज ये है स्मूथ क्यू 3-axis स्मार्टफोन स्टेबलाइजर। यहां पर ज़ियुन अपनी ब्रांडिंग कर रखी है और यहां पीछे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं, जैसे ये 12 घंटे तक कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है विदाउट इवन चार्जिंग। मैनुअल जूमिंग दे रखी है इसके अंदर, आप वीडियो रिकॉर्ड करते करते अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं इसे। बट चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अब मैं इसको ऑलरेडी एक बार अनबॉक्स कर चुका हूं बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फिर एक बार अनबॉक्स कर रहा हूं इसको। इसके अंदर मिलता है ये मैनुअल और ये इसकी डाटा केबल दे रखी है इसको चार्ज करने के लिए। ये इसका केस है। पैकिंग काफी अच्छी कर रखी है इसकी, मटेरियल भी अच्छा है इसका, वाटरप्रूफ लगता है ये मटेरियल। पूरे गिटार केसिंग में इसके साथ स्ट्रैप भी दिया हुआ है इजी कैरी करने के लिए कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो। तो गाइज ये है वो गिम्बल, ये है वो जादुई खिलौना जो आपकी वीडियोस को सिनेमैटिक लुक देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोड बटन दे रखा है, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन है और ये जूम के लिए दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसमें अपना फ़ोन लगा के दिखाता हूँ और बताता हूँ ये कैसे चालू होता है। सो गाइज मैंने इसमें गिम्बल में अपना फ़ोन अटैच कर दिया है। अब ये जो मैंने ऑन एंड ऑफ बटन है इसको मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए प्रेस करूँगा, फिर देखिए क्या होगा। 1, 2, 3 ये देखिए ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया, 3 सेकंड के लिए बटन प्रेस किया और ये अपने आप ही ऑन मोड में आ गया। इसका सेकंड मोड जो है, इस बार मैं एक बार बटन प्रेस करूंगा तो अब ये लॉक हो गया, अब ये मेरे घुमाने पे नहीं घूम रहा है। अभी घूमेगा मेरे इस वाले जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करने पे ये घूमेगा। इसको मैं लेफ्ट कर रहा हूं ये लेफ्ट घूमेगा, इसको मैं राइट करना चाहता हूँ ये राइट घूमेगा, अगर मैं इसको अप एंड डाउन करना चाहता हूँ तो ये अप एंड डाउन भी होगा ये देखिए, और अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूंगा तो इसका रिवर्स भी होगा। ये पूरा 360 तक रोटेट हो जाता है ये देखिए। सबसे बेस्ट फीचर इसका यही है। और इसका जो थर्ड मोड है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मोड है, इसको अगर मैं 3 बार प्रेस करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। 1, 2, 3 ये 360 डिग्री रोटेट हो गया, सेल्फी मोड में आ गया। फिर इसको 3 बार प्रेस करूंगा और ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। थर्ड जो मुझे सबसे अच्छा और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है जो मैं आगे यूज करने वाला हूँ अपनी ट्रैवलिंग वीडियोज में, वो है मोशन टाइम लैप्स। इसके लिए कुछ मुझे अलग से कुछ एक्सेसरी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही काफी है मोशन टाइम लैप्स बनाने के लिए। तो मोशन टाइम लैप्स तो यहाँ बनेगा नहीं, तो चलिए कहीं आउटडोर चलते हैं और आपको मोशन टाइम लैप्स बना के दिखाता हूँ मोशन टाइम लैप्स इसमें कैसे बनेगा। तो गाइस मैंने मोशन टाइम लैप्स लगा दिया है
और इसको जहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट करना है वहाँ से आप उसको पिक्चर एक क्लिक कर लीजिए, जहाँ आपको उसको एंड करना है वहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, और सिर्फ आपको स्टार्ट का बटन दबाना है तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया है वहाँ से स्टार्ट होते हुए जहाँ पर एंडिंग पॉइंट है वो वहाँ तक अपने आप ही ये अपने आप ही रोटेट करता रहेगा। यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। सो आई होप गाइज आपको ये इससे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि ये कैसी फुटेज आ रही है और कैसी फुटेज नहीं आ रही है। मैं इस समय आउटडोर पे आया था कुछ वीडियो शूट करने के लिए, अभी मैं इतना हाथ मेरा परफेक्ट नहीं हुआ है इसके ऊपर, बट फिर भी जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये गिम्बल क्या कर सकता है।